मेवाड़ में बैठकर मारवाड़ का एक बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब संतों का आगमन होता है, ऐसे गुरुदेव, ऐसे महान लोग जब गांव, नगर, शहर, गली में आते हैं तो भक्त के मन में किस प्रकार की खुशी, भक्त अपने मन में किस प्रकार से उल्लास महसूस करता है। भक्त शिरोमणि मीराबाई अपने गुरुदेव जब पधार्या तो गुरुदेव रे स्वागत में गुरु महाराज रो बदावणो गायो, बोले हे गुरुदेव बहुत धन्य भागे कि आप हमारे घर में पधार्या। बोले अरे सतगुरु आया पावणा, परमेश्वरी आया पावणा, सतगुरु आया पावणा, परमेश्वरी आया पावणा। सभी की तालियों के साथ में अरे आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, रे मर सतगुरु आया पावणा। गुरु आया पावणा, परमेश्वरी आया पावणा, सतगुरु आया पावणा रे आया, परमेश्वरी आया पावणा, मार दिन गुरु आया पावणा, हर सतगुरु आया पावणा। आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, मार सतगुरु आया पावणा, मारा दाता आया पावणा। बोली भदेरिया मेरु जी महाराज की, देखो संत पधारा, भक्त के मन में किस प्रकार की खुशी है, संतों का अभिवादन किया। बोले अरे हिंग लुपाया रो ढाणू ढोलियो, हिंग लुपाया रो ढाणू ढोलियो, रेशम राबी चावणा, हिंग लुपाया रो ढाणू ढोलियो, रेशम दा भी चावणा, रेशम का भी चावणा। अरे जिन पर मारा गुरु जी बिराजे, जिन पर मारा गुरु जी बिराजे, पंखे वाव ढोलावणा, जिन पर मारा गुरु जी बिराजे, पंखे वाव ढोलावणा। सतगुरु आया पावणा, परमेश्वरी आया पावणा, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, दाता आया पावणा। तालियां बजाएं सभी लोग एक बार, दोनों हाथों को उठा के, क्या बात है महाराज जी। गुरुदेव आया चोखा चोखा जीवन भोजन, बोले हे दाता अरे चोखा रंदावू उजड़ा, चोखा रंदावू उजड़ा, ऊपर गिरत खलावणा, चोखा रंदावू
में इस धरती पर हर युग में हर काल में पधारा संतों को नित्य अवतार कोई भी युग में नहीं हर युग में हर समय हर काल में संत ही धरती पर आता रहा। ये दुनिया ने अज्ञानी लोगों ने ज्ञान रो रस्तो अज्ञानता को अंधकार दूर करने के लिए भारत में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। संतों की कृपा से ये दुनिया फलती रही, संतों की दुनिया कृपा से ये दुनिया धर्ममयी हो गई। और इसलिए लिखा है अरे मथुरा जी में कंस मारियो, तालियां वालियां तो बजा ले आप लोग दोनों हाथों को उठा के। मथुरा जी में कंस मारियो, लंका में जी रावणा, मथुरा जी में कंस मारियो, लंका में जी रावणा, लंका में जी रावणा, बलि के द्वारे आप पधारा, पावन रूप धरा सतगुरु आया पावणा, परमेश्वरी आया पावणा, आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पावणा। भक्त शिरोमणि मीराबाई लिखो है कि कोई भी तीर्थ करने की जरूरत नहीं, कोई हरिद्वार में गंगा जी में गोते खाने की जरूरत नहीं, द्वारिका नहीं जाना, रामेश्वरम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगा सागर नहीं जाना, क्योंकि सारा तीर्थ तो गुरु महाराज के चरणों में, और वो यदि गुरु महाराज मिल गया तो फिर सारे तीर्थ को फल भी मिल गयो। और इसीलिए बोला अड़सठ तीर्थ सतगुरु शरणे, अड़सठ तीर्थ सतगुरु शरणे गंगा जी में नावणा, अड़सठ तीर्थ सतगुरु शरणिया, गंगा जी में नावणा, गुरु शरणे भाई मीरा बोले अरक निरक गुण गा, शरणे भाई मीरा बोले अरक निरक गुण गावणा। गुरु आया पावणा, परमेश्वरी आया पावणा, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, आज
सतगुरु आया पावना, पर सतगुरु आया पावना, पर सतगुरु आया पावना, मारा सतगुरु आया पावना, मारा सतगुरु आया पावना, ए दिन गुरु आया पावना।